कि आपको पता है i7 11th जनरेशन में ही टोटल 4 टाइप्स के प्रोसेसर है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है और इनमें क्या डिफरेंस है। और एक और बात, ये लैपटॉप्स हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है लेकिन फिर भी आप इसमें गेमिंग और वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए हमको चाहिए होता है ग्राफिक कार्ड और इनमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। सो मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है और इनका लोडिंग स्पीड काफी ज्यादा कम है लेकिन गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं। आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं, उतना कैपेबल नहीं है क्योंकि ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कंपैरिजन। तो ये है आपके सामने चार्ट, आप देख सकते हो i7 11th जनरेशन 11 3700H जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर सबसे सस्ता प्रोसेसर है और ये बहुत ही कम लैपटॉप में ही यूज होता है और इसका पावर कंजप्शन काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपको 3.0 का बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है और मैक्स है 4.8। मैक्स तो काफी अच्छा है लेकिन बेस फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा है जिस वजह से पावर कंज्यूम काफी ज्यादा करता है ये। और बाकी के दो है i7 11 65G7 और है 11 95G7। ये दो प्रोसेसर 1 लाख के नीचे वाले जो भी लैपटॉप्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है और इनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त होता है और पावर कंजप्शन भी काफी कम होता है। आपको दोनों में सिर्फ गीगाहर्ट्ज का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 11 95G7 थोड़ा बेटर है कम्पेयर टू 11 65G7। और जो i7 11 800H है ये हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है जो कि आपको 1,20,000 के ऊपर वाला लैपटॉप में ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल रहा है। सो मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट बन जाता है और यहाँ पर आपको 24 MB का कैश मेमोरी भी देखने को मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते हो इसका परफॉर्मेंस कितना एक्सट्रीम लेवल का होने वाला है और रैम सपोर्ट डिपेंड करता है लैपटॉप के मदरबोर्ड के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं अभी लैपटॉप की तरफ। सो पहला है LG ग्राम लैपटॉप और इसका आप लुक देख सकते हो, लुक्स में बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा स्लिम ब्लेजल देखने को मिल रहा है। इस लैपटॉप में आप देख सकते हो ब्लेजल एकदम नाक के बराबर है, काफी अच्छा लग रहा है और LG का भरोसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको 16 इंच का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, नॉर्मली सब में होता है 15.6 और इंटेल इवो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है इसलिए इसका परफॉर्मेंस नॉर्मल i7 11th जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। और यहाँ पर आपको फुल्ली मेटल बॉडी देखने को मिल रहा है, मैग्नीशियम एलॉय मेटल का इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है। एयरक्राफ्ट में इसी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, इन्होंने जो मेटल का इस्तेमाल किया है जिस वजह से आजकल इसका वन ऑफ द बेस्ट बन जाता है। और यहाँ पर आपको i7 11 65G7 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और 16 GB रैम इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, दो स्टिक है 8 GB का और 4266 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आप देख सकते हो इतना हाई फ्रीक्वेंसी का रैम आपको बहुत ही कम लैपटॉप में ही देखने को मिलता है। 1 लाख के लैपटॉप्स में आपको और किसी लैपटॉप में ये फ्रीक्वेंसी का रैम देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ऑनबोर्ड रैम है, आप इन फ्यूचर रैम को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हो, दूसरा रैम आप नहीं लगा सकते हो, सोल्डरिंग करके लगा रखा है। और 512 GB का NVMe SSD आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, विंडोज 10 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है लेकिन यहाँ पर आपको MS Office नहीं मिल रहा है, ग्राफिक वही है इंटेल एरिस। यहाँ पर आपको QHD रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है 2560x1600, IPS डिस्प्ले है इसलिए कलर सैचुरेशन काफी बढ़िया है और आपको पता है ये LG के मॉनिटर एंड TV वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ब्रांड में से एक है तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेस्ट ही मिलने वाला है। और पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल रहा है, एक है पावर सप्लाई के लिए और दूसरा नॉर्मल यूसेज के लिए, 2 3.2 USB पोर्ट है, एक HDMI है, एक कार्ड रीडर है, एक हेडफोन जैक है। और अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल रहा है, 2 वाट के 2 स्पीकर है, Wi-Fi version 6 को भी इन्होंने प्री इंस्टॉल कर रखा है, ब्लूटूथ है 5.1, वेब कैमरा है 1080p HD, वेट है ओनली 1.19 kg जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, ट्रेवलिंग पर्पस के लिए बेस्ट लैपटॉप है ये। बैटरी बैकअप भी बहुत जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पर आपको 80 वॉट का बैटरी देखने को मिल रहा है जो कि आपको 16.5 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल यूसेज मतलब मूवीज पावर पॉइंट टाइप्स फिंगरप्रिंट रीडर का भी फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, पावर बटन में ही इन्होंने फिंगरप्रिंट को भी फिट कर रखा है, साथ ही में यहाँ पर आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिल रहा है जिस वजह से आप रात में अंधेरे में इनका यूज कर सकते हो। वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 4.7 स्टार, प्राइस है 81,000 rupees इन Amazon। और अगला है HP Pavilion X360 लैपटॉप और HP Pavilion के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप्स में से एक है, इसका आप कोई भी वर्जन उठा लो सभी का परफॉर्मेंस जबरदस्त होता है और HP का कस्टमर केयर सपोर्ट भी बेस्ट होता है सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो। और आप इसका लुक देख सकते हो, लुक्स में काफी अच्छा है, फुल टच स्क्रीन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और 360 डिग्री स्क्रीन रोटेटिंग का भी फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और फुल मेटल टॉप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, स्क्रीन के पीछे का जो पार्ट है ये पूरा मेटल का है फॉर लॉन्ग लास्टिंग और ब्रेजल इसका भी काफी ज्यादा स्लिम है आप देख सकते हो। और HP Pavilion मोस्टली ट्रैवलिंग पर्पस के लिए ही बनाया जाता है इसीलिए डिस्प्ले आपको थोड़ा छोटा मिलेगा, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है 250 nits पीक ब्राइटनेस के साथ और इसमें आपको 11 95G7 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है
जिसका मैक्स फ्रीक्वेंसी है 5 GHz और इसमें आपको 16 GB रैम देखने को मिल रहा है। 8 GB का 2 स्टिक इन्होंने फिट कर रखा है 3200 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ। 512 GB का NVMe SSD भी इन्होंने प्री इंस्टॉल कर रखा है। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 bit MS ऑफिस 2019 को इन्होंने प्री इंस्टॉल कर रखा है। ग्राफिक वही है। इंटेल एरिस पोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, 2 USB पोर्ट है, एक कार्ड रीडर है, एक हेडफोन जैक है, AC पिन एक है और एक है HDMI। अनदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एलेक्सा बिल्ट इन का फीचर देखने को मिल रहा है। सो चलते चलते आप जो बोलोगे वो टैब खोल देगा। डुअल स्पीकर भी है इसमें, जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया मिलने वाला है। वाईफाई वर्जन 6 भी इन्होंने प्री इंस्टॉल कर रखा है। ब्लूटूथ है 5.0। वेबकैम वही है 720p HD। वेट है 1.5 kg। बैटरी बैकअप है 8 hours। फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है लेकिन बैकलाइट कीबोर्ड है जिस वजह से आप रात में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वारंटी है 1 ईयर। कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार। प्राइस है 83,000 rupees इन Amazon। फिर आता है सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 और इस लैपटॉप का आप लुक देख सकते हो। लुक्स में ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पर भी आपको ब्रेजल काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिल रहा है और सैमसंग का भरोसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और सैमसंग का परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता ही है। इसमें इन्होंने 12th जनरेशन i7-1255U का प्रोसेसर फिट कर रखा है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस के लिए 12th जनरेशन 11th जनरेशन से काफी गुना बेहतरीन है और ये भी इंटेल इवो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। सो इसका परफॉर्मेंस भी आपको काफी बढ़िया ही मिलने वाला है। रैम है 16 GB। 8 GB का 2 स्टिक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इसमें भी इन्होंने ऑन बोर्ड रैम फिट कर रखा है। आप इन फ्यूचर रैम को एक्सटेंड नहीं कर सकते, रैम को रिमूव नहीं कर सकते हैं, इन्होंने सोल्डरिंग करके फिट किया है। 512 GB का NVMe SSD इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और एक और स्लॉट है जो कि खाली है, उसमें भी आप एक और NVMe इंस्टॉल कर सकते हो इन फ्यूचर। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 bit और MS ऑफिस 2021 प्री इंस्टॉल कर रखा है इन्होंने। ग्राफिक वही है। इंटेल एरिस डिस्प्ले है 15.6 इंच, फुल HD, एंटी ग्लेयर। पोर्ट के बारे में बात करें तो 2 टाइप सी पोर्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, 2 है USB पोर्ट, मल्टी कार्ड रीडर भी है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, एक है HDMI। अनदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको 2 W के 2 स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल रहा है। वाईफाई वर्जन है 6, ब्लूटूथ है 5.1, एम्ब्रेन लाइट सेंसर को इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ऑटो ब्राइटनेस के लिए और एक्सीलरेशन सेंसर और गायरो सेंसर को इन्होंने इसी में प्रोवाइड कर रखा है, जिस वजह से अगर आप स्क्रीन को घुमाते हो तो अंदर का जो रेजोल्यूशन का जो पार्ट है वो भी घूम जाता है फोन की तरह। कैमरा है वही 720p HD। वेट है 1.57 kg। बैटरी बैकअप है 8 hours। फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर्स ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही में बैकलाइट कीबोर्ड भी है जिस वजह से आप रात में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वारंटी है 1 ईयर। कस्टमर रेटिंग है 3.2 स्टार क्योंकि इसका बैटरी बैकअप अकॉर्डिंग टू कस्टमर बहुत बर्बाद है। प्राइस है 79,000 rupees इन Amazon। और अगला है Asus VivoBook K15 OLED फुल HD लैपटॉप। और इस लैपटॉप की खास बात यह है कि यहाँ पर आप OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिस वजह से इसका कलर सैचुरेशन बाकी सबके कंपैरिजन में काफी बेटर है। और यहाँ पर आपको 400 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है जिस वजह से आप बाहर सनलाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है और आप लुक देख सकते हो, लुक्स में काफी अच्छा है। इसका भी प्लेजल काफी स्लिम है और यहाँ पर भी आपको मेटल टॉप देखने को मिल रहा है। स्क्रीन के पीछे का जो पार्ट है ये पूरा मेटल का है लेकिन बाकी बॉडी पूरा प्लास्टिक का है। और इसमें आपको i7-1165G7 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। रैम है 8 GB। 4 GB के 2 स्टिक इन्होंने फिट कर रखा है जिसमें से एक ऑन बोर्ड रैम है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। और दोनों ही रैम 3200 MHz फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है और इसमें आपको 2 स्टोरेज देखने को मिल रहा है, 256 GB सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए और 1 TB HDD जिसमें आप मूवी सॉन्ग गेम्स रख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 जिसे आप 11 में अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस 2019 आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। ग्राफिक वही है। इंटेल एरिस 15 इंच। पोर्ट के बारे में बात करें तो एक पावर पोर्ट है, USB पोर्ट एक है, टाइप सी पोर्ट एक है, 2 USB 3.2 है, HDMI एक है, एक कार्ड रीडर है, हेडफोन जैक है, बस इतना ही। अंदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2 W का स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल रहा है। वाईफाई वर्जन है 6, ब्लूटूथ है 5.1। इसमें भी आपको 720p HD कैमरा देखने को मिल जाएगा। वेट है अप्रोक्स 1.8 kg। बैटरी बैकअप है 8 hours। फिंगरप्रिंट रीडर है, साथ ही में बैकलाइट कीबोर्ड का भी फीचर्स आपको यहां देखने को मिल जाएगा। वारंटी है 1 ईयर। कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार। प्राइस है 75,500 rupees इन Amazon। और एक और लैपटॉप है जिसे मैंने आज के वीडियो में इंक्लूड किया है, ये है सेम Asus VivoBook लेकिन यहाँ पर आपको 16 GB रैम देखने को मिल रहा है जिसमें से 8 GB ऑनबोर्ड रैम है और 512 GB NVMe देखने को मिल रहा है और एक और स्लॉट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है HDD के लिए जो कि खाली है। आप चाहो तो 2 TB तक का HDD इंस्टॉल कर सकते और इसमें आपको 600 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा है। बाकी सारे फीचर्स सब सेम है और इसका प्राइस है 83,000 rupees इन Amazon।
और अगला है लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 5 प्रो लैपटॉप। और आप इसका लुक देख सकते हो, लुक्स में भी नॉर्मल ही है सबकी तरह स्लिम ब्रेजल। और इस लैपटॉप की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मेटल टॉप देखने को मिल रहा है। स्क्रीन के पीछे का जो पार्ट है ये प्लास्टिक नहीं, यहाँ पर इन्होंने एल्यूमिनियम मेटल को फिट कर रखा है जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है, जिस वजह से इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। और इसमें आपको i7-11165G7 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। रैम है 16GB 8GB का दो स्टिक इन्होंने फिट कर रखा है 3200 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ। स्टोरेज है 512GB NVMe। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 MS Office 2021 के इन्होंने प्री इंस्टॉल कर रखा है। ग्राफिक वही है इंटेल एरिस 14 इंच 2.2K क्वाड HD डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो इसका ये पार्ट बेस्ट लगा 300 nits पीक ब्राइटनेस के साथ। एंटी ग्लेयर है इसका डिस्प्ले। पोर्ट के बारे में बात करें तो एक है चार्जिंग पोर्ट टाइप सी पोर्ट, दो है 3.0 HDMI, एक है कार्ड रीडर, एक है हेडफोन जैक, एक है। अंदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2W की स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल रहा है। वाईफाई है वर्जन 6, ब्लूटूथ है 5.1 और इसमें भी आपको 720p HD फिक्स्ड फोकस कैमरा देखने को मिल रहा है। वेट है अप्रोक्स 1.4 kg, बैटरी बैकअप है 8 आवर्स, लेकिन यहाँ पर आपको रैपिड चार्ज का फीचर देखने को मिल रहा है जो कि 1 आवर में 80% चार्ज हो जाएगा। फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है लेकिन बैकलाइट कीबोर्ड है इसमें। वारंटी है 3 इयर्स, कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, प्राइस है 76,000 rupees इन Amazon। और अगला भी है लिनोवो आइडिया पैड फ्लेक्स 5 और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरा टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है और पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है इसका डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 250 nits पीक ब्राइटनेस के साथ। एंटी ग्लेयर है इसका डिस्प्ले। बाकी अंदर का फीचर्स पहले वाले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर आपको विंडोज 10 देखने को मिल रहा है जिसे आप 11 में अपग्रेड कर सकते हो और MS Office है 2019। और इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट रीडर और बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। वारंटी है 3 इयर्स, कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, प्राइस है 86,000 rupees इन Amazon। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।